हेलो गाइस, मैं हूं अमित भाई। ये है एक टी शर्ट, हर कोई टी शर्ट पहनता है। टी शर्ट जब गंदी हो जाती है तो उसको धोना भी पड़ता है, पानी में धोते भी हैं। लेकिन आज हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। टी शर्ट को तो धोएंगे, हालांकि इतनी गंदी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको धोएंगे, और धोएंगे पानी में नहीं बल्कि फेविक्विक में। जी हाँ दोस्तों, फेविक्विक यानी कि सुपर ग्लू, एक ऐसी चीज जो कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को तुरंत से कुछ सेकंडों में चिपका देती है। ठीक है, तो फेविक्विक के अंदर हम धोने वाले हैं फेविक्विक, या फिर इसको बेटर कहूं तो सुपर ग्लू। और यहां पर हमारे पास में, अबे यार ये सारी कैसे उलट गई, यहां पर हमारे पास में बहुत सारा सुपर ग्लू। और दोस्तों, चाहे फेविक्विक हो चाहे और दूसरा कोई सुपर ग्लू हो, मोस्टली इनके अंदर एक केमिकल आता है जिसको बोलते हैं साइनोअक्राइलेट। और वो जो साइनोअक्राइलेट होता है वही जो है इंस्टेंट एडहेसिव होता है, यानी कि तुरंत से जमा देता है। भैया हवा बहुत तेज चल रही है यार यहाँ पर। तो ये जो टी शर्ट है इसको आज हम इस सुपर ग्लू में धोने वाले हैं, और फिर देखते हैं कि जो टी शर्ट है क्या वो साफ हो पाएगी, या वो चिपक जाएगी, या क्या होगा। टी शर्ट तो खराब होगी, तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, और आवाज चल रही है दूसरी साइड, चलो। दोस्तों यहाँ ठीक है यार, हवा जो है कम है, तो जो टी शर्ट है उसको पूरा डुबाने के लिए हमको काफी सारा सुपर ग्लू चाहिए। तो यहाँ पर ये जो डब्बियां हैं इनको हम एक साथ निकालें, क्योंकि एक से काम नहीं चल सकता। इसको जो है मैं इसके अंदर निकाल ले रहा हूं। और गाइज ये जो चीज है ये टच नहीं होनी चाहिए हाथ वात पे, नहीं तो यार ये बहुत बेकार चिपका देती है। तो गाइज जो सुपर ग्लू है वो तैयार है यहां पर, और आप लोग देखो भाई ये कितना सारा सुपर ग्लू है। अब देखो ये कंटेनर बड़ा है इसलिए आपको हो सकता है कम लग रहा हो, लेकिन ये जो है लगभग 2 लीटर सुपर ग्लू है। 2 लीटर बहुत होता है, ये बहुत ज्यादा है, मतलब कि इतना ज्यादा है कि यार नॉर्मल आदमी तो इससे पता नहीं कितने साल तक चीजें चिपका सकता है, बहुत ज्यादा है। तो अब बारी है इसके अंदर टी शर्ट डालने की और देखने की कि टी शर्ट को अगर सुपर ग्लू में धोएंगे तो क्या होगा। और हम वापस से इस जगह पर आ चुके हैं। तो भाई साहब, अबे तेरी, अबे क्या हुआ इसमें गाइस, इसमें तो बहुत बेकार स्मेल निकली, मेरी आंख में घुस गई एकदम से। अब पता नहीं कपड़ा डालने से कुछ ज्यादा निकली या क्या हुआ। ओए धुआं निकल रहा है, मोहित एक बार ऊपर से दिखाइयो, देखो 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 देखो, जल्दी दिखाओ जल्दी। ओ शिट गाइस, गाइस इसमें से जैसे ये इसमें डूबता है, इसमें से निकलता है ये धुआं सा, देखना देखना ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। ओ तेरी, देखो 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 ये निकल रहा है। अभी जल रहा है या क्या हो रहा है, ये गर्म भी है और आंख में जाता है तो बहुत गंदा लगता है। गाइस फेविक्विक में टी शर्ट तो डुबा दी है हमने। अबे यार नहीं रोक पा रहा मैं, आँख में बहुत तेज दर्द है। अबे यार क्या करें यार, डंडी चिपक गई मेरी इसमें, और मैं पूरा इसको जो है एक बार इसमें डुबाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाइस कलर निकल गया, कलर निकल गया। क्या टी-शर्ट का कलर निकल गया, थोड़ा थोड़ा जो है कलर तो निकल गया, और अब ये हिलना भी बंद हो गई, ऐसे की ऐसे रह गई। ओ शिट, ओए बच गया यार कहीं भी कुछ नहीं गिरा मैं सोची क्या इसमें से आ रही है सीधा मैं सोच रहा सीधा इसमें से धुआं आ रही है, हुक्का बन गया ये फेविक्विक वाला। अब जो है बाहर निकालने जा रहा हूं इसको, इस पट्टे के ऊपर निकालेंगे, नहीं तो जो टेबल है उसके ऊपर फेविक्विक बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो गाइस ये आ गई है आपकी फेविक्विक में धुली हुई टी शर्ट, और आप लोग देख सकते हो कैसे इसके अंदर से अभी भी स्मोक निकल रहा है। अब ये धुआं है या ये क्या चीज है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भाई साहब ये कह सकता हूँ कि ये जो है ना ये बहुत बेकार चीज है, ये आंख या नाक में जाते ही। अबे यार वो बहुत ज्यादा गई यार इस बार, मेरा दिमाग सुन्न हो गया, इतनी ज्यादा चली गई इस बार। हम लोग आपको कुछ नया दिखाने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन यार मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है, लेकिन यार दिक्कत इसमें हो रही है काफी ज्यादा। बस बात ये है, डेंजरस तभी ज्यादा हो जाएगा अगर फेविक्विक डायरेक्टली गिर जाए, लेकिन सांस में जो जा रही है उसकी वजह से बस बहुत ज्यादा दिक्कत होती है 5-7 मिनट के लिए। तो भाई
फाइनली जो टी शर्ट है वो निकल चुकी है सुपर ग्लू में से, और अब आप लोग इसकी हालत देख सकते हो। पानी पर धोने पर आपको पता है क्या होता है, लेकिन ये हाल हुआ है सुपर ग्लू में धोने पर। उत्तरी यार, हमने इसको इस बोर्ड पर निकाला और ये इस पे चिपक गई लेकिन हट गई। और गाइस आप लोग देखो कि जो टी शर्ट है वो पत्थर हो चुकी है। उत्तरी गाइस, ये जो है पत्थर, बिल्कुल पत्थर जैसी हो चुकी है। ये कपड़ा है गाइस, ये कपड़ा है, ये ऐसा कपड़ा है जिसको हमने फेविक्विक में धोया है। अभी आपके सामने टी शर्ट थी, मेरी प्यारी टी शर्ट जिसको मैंने कई वीडियोस में पहना भी है, ये वही टी शर्ट है। एंड नाउ यू गाइस कैन सी कि ये जो है कैसा क्या हो गया। देखो इसमें से एक टुकड़ा टूट भी गया, ये कपड़े का टुकड़ा है, ये देखो इसमें से कैसे टूट गया। उत्तरी गाइस, ये कपड़ा है और ये देखो ये कैसे टूट गया है। हथौड़ा मारने से जो कपड़ा है वो कैसे, देखो कैसे टूट गया है। देखो ये टुकड़े इसमें से निकल गए, ये कपड़ा है, ये मेरी टी शर्ट थी। अबे यार गाइस, टी शर्ट को फेविक्विक में धोने पर कुछ ऐसा होता है। ये देखो ये इसकी कॉलर है, अब ये कॉलर ऐसे ही है, ये अब यहाँ से जो है अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकती, जैसी है वैसी ही रहेगी। और देखो यहाँ से कॉलर क्रैक भी हो गई है, मतलब यार कपड़े को क्रैक होते मैंने तो आज तक नहीं देखा था, लेकिन आज देख लिया है। और गाइस जाते जाते सोचा कि अगर इसको एक बड़े हथौड़े से मारे तो क्या होगा, छोटे वाले से तो टुकड़े हो रहे थे लेकिन बड़े से मारने पर क्या होगा। तो ये लो तो गाइस, अबे यार देखो एक बार, बड़े हथौड़े ने हमारे इस कपड़े का, इस टी शर्ट का क्या हाल बना के रख दिया है। देखो एक बार, मतलब कि पूरा जो कपड़ा है उसके कितने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो चुके हैं, कितने छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। तो भाई साहब कुछ ऐसा होता है जब टी शर्ट को या किसी भी कपड़े को सुपर ग्लू में धोया जाता है पानी की जगह। और आप लोग ऐसा कुछ भी ट्राई प्लीज मत करना, क्योंकि हालत कुछ ऐसे होने वाली है। टी शर्ट से तो टी शर्ट नहीं धुलेगी, टी शर्ट से हाथ धोना पड़ गया, और साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत सारी आँख और नाक में जलन भी हिलनी पड़ी, इसलिए प्लीज़ ट्राई मत करना। सुपर ग्लू वैसे भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो में तो लाइक ठोकना बिल्कुल मत भूल जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मस्त मस्त वीडियोस के लिए। और भाई वो जो बेल आइकन है ना उसको जरूर से दबा लेना, ताकि आपको ऐसी मस्त वीडियोस जो है उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि भैया ऐसी मजेदार वीडियोस आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। बहुत ज़्यादा फेविक्विक मेरे अंदर चली गई यार, चलो जो भी है फिनिश करो, कट।